कपड़ा बांधकर मुंह छिपाए ये महिला देश की प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। लेकिन मैडम ने जो कारनामे किए हैं उसके बाद उनका चेहरा छुपाना लाजमी है। दरअसल राजस्थान के जोधपुर में डीएसओ रही सीनियर आईएएस अधिकारी निर्मला मीणा पर गरीबों को बांटे जाने वाले गेहूं को आटा मिलों में बेचने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आखिरकार बुधवार को जोधपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में मीणा ने रोते हुए गेहूं की कालाबाजारी की बात कबूल कर ली। इसके बाद मीणा को जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि मीणा ने महज 15 दिन के खेल में 8 करोड़ का गेहूं बाजार में बेच दिया था। मार्च 2016 में मीणा ने जयपुर रसद विभाग को 3 लाइन की चिट्ठी लिखी कि शहर में 35,000 परिवार बढ़ गए हैं, इसलिए 35,000 क्विंटल अतिरिक्त गेहूं दिया जाए। यह गेहूं 7 लाख परिवारों में बढ़ सकता था, लेकिन उसे आटा मिलों को बेच दिया गया, जबकि इतने बीपीएल परिवार बड़े ही नहीं थे। EMS TV के लिए राम पवार की रिपोर्ट।